आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है रामाधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रिकेट कायदे के भाग नंबर 1, 2, 3। दोस्तों देखिए, कई लोगों का कमेंट आया था कि सर हमारा क्रिकेट में सुधार नहीं हो रहा, जो हम क्रिकेट बजाते हैं वो क्लियर से क्रिकेट नहीं बज रहा, उसके लिए क्या करें। दोस्तों, जैसा कि आप देखे भी होंगे कि मैं इसके लिए एक पर्सनल सिर्फ क्रिकेट कायदा का मैं वीडियो डाला था, जो कि आप लोग सीखे भी होंगे, ठीक है। और फिर मैं उसमें आप लोगों को इनके पलटा नहीं बताया था, मैं उस वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको इनका पलटा बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पलटा बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे सीखें। दोस्तों, यदि आप इसका रियाज करते हैं कायदा और पलटा का, तो आपके जो क्रिकेट बजाते हैं उसमें बहुत ही सुधार आएगा, ठीक है, और अच्छे से अच्छे आप क्रिकेट बजाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि कायदे के बोल मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कायदे के बोल थे धा धा तीर किट, धा धा तू ना, ता ता तीर किट, धा धा धी ना, ये कायदा था, ठीक है। देखिए इसे बजाएंगे कैसे, धा धा तीर किट, ठीक है, धा धा तू ना, ता ता तीर किट, तो ये कायदे के बोल हैं, ठीक है। अब पलटा के बोल, फर्स्ट पलटा लिखेंगे आप, बोल है धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तू न, ता ता तीर किट, ता ता तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा धीन, ठीक है। गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, चलिए इसे बजाना सीखते हैं। फिर इसके जो आगे के पलटे हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो पहले एक बजाना सीखते हैं, देखिए कैसे बजाना है। धा धा, सबसे पहले धा धा को कैसे बजाएंगे वो देख लीजिए, स्याही और ये लौ है, ठीक है, इसके बीच में इस फिंगर को ठहराएंगे, देखिए, ठीक है, ये वाला फिंगर उठा रहेगा आपका, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे तो ता और ना सबकी आवाज आएगी, ठीक है। डगे पर बजाएंगे घे, घे बजाएंगे तो ये दोनों फिंगर सटा होना चाहिए, ठीक है, घे, इस प्रकार से, और इस पे वेट ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा वेट देना है, ठीक है, घे घे, हैंड पे, हैंड का जो फिंगर है उस पे ज़्यादा वेट देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा घे, चाटी पनाच दोनों को एक साथ हाथ करेंगे हो जाएगा धा, ठीक है, धा, दो बार बजाएंगे धा धा, दो बार धाधा बजाएंगे तो इस दोनों फिंगर को अदला बदली करते रहेंगे, ठीक है, धा धा तीर किट, क्रिकेट बजाएंगे इस तीनों फिंगर से एक साथ ती, ठीक है, ती फर्स्ट फिंगर से रहा, इसे कहेंगे कि इसे कहेंगे ट, तीर किट, ठीक है, धा धा तीर किट, सेम, फिर धा धा तीर किट, फिर धा धा तीर किट, ठीक है, उसके बाद धा धा तूना, देखिए अब धा धा तूना कैसे बजाएंगे, धा धा, ठीक है, तूना, तूना जो बजाएंगे तो ये जो स्याही देख रहे हैं इसके ये किनारी वाले भाग में खुला घात करेंगे, तू चाटी बना, ठीक है, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, फिर है ता ता तीर किट, ता ता तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा धीनन, ता ता चाटी पर बजाएंगे, ता जब बजाएंगे तो उसके साथ डग्गे पर कुछ नहीं बजाना, ठीक है, वन पर ता ता तीर किट, ठीक है, फिर ता ता तीर किट, फिर धा धा तीर किट, धा धा धीन, ठीक है। धीना कैसे बजाएंगे वो देखिए, ये है तू, तू के साथ डगे पर घे बजा देंगे, ये हो जाएगा धी चाटी पना, समझ गए, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तू ना, ता ता तीर किट, ता ता तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा धी, समझ गए। अब दूसरा नंबर पलटा लिखेंगे, बोल है धा धा तीर किट, तीर किट, तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तू ना, ता ता तीर किट, तीर किट, तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा धीना, ठीक है। दोस्तों, एक प्रश्न आप देखे होंगे कि मैं लाइव आता हूं तो उसमें भी ये प्रश्न ज़्यादा रहता है कि सर लगातार 3 बार क्रिकेट कैसे बजाएं, ठीक है, तो ये भी प्रश्न रहता है। तो देखिए, यही है लगातार 3 बार क्रिकेट बजाना, जो भी मैं पलटा बता रहा हूँ ना,
यही 3 बार त्रिकिट इसी में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप इसे धीरे धीरे रियाज करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों यदि आप 0 लेवल से तबला सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए अब ये इस पलटा को बजाना सीखते हैं, देखिए कैसे बजाएंगे। हाँ, सेम उसी प्रकार से यहाँ फिंगर रहेगा, ठीक है। ये स्याही और लौ के बीच में ये वाला फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर जो है ये इससे चाटी पर आघात करेंगे, ठीक है। डग्गे पर दोनों को एक साथ आघात करेंगे, धा, ठीक है। 2 बार बजाएंगे धा धा, फिर तिरकिट तिरकिट सेम उसी प्रकार से 3 फिंगर से स्याही के बीच में फर्स्ट फिंगर से रहा, इसे कहेंगे किससे कहेंगे ट तिरकिट, ठीक है। धा धा तिरकिट, फिर तिरकिट तिरकिट, ठीक है। इस प्रकार से बजाएंगे, ठीक है। उसके बाद धा धा तिरकिट, धा धा, फिर तू, ये हो गया आपका खुला घात करेंगे तू चाटी पर ना, ठीक है। धा धा तिरकिट, धा धा तू ना, फिर ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, ता ता चाटी पर बजाएंगे। ता ता जब बजाएंगे तो उस समय डग्गे पर कुछ नहीं बजाना, ठीक है। ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, ठीक है। धा धा तिरकिट, धा धा धीना, धा धा तिरकिट, धा धा धीना, तू डगे प्रगेश दोनों को एक साथ आघात करेंगे धी चाटी पर, समझ गए। तो अब आपको मैं ये बूढ़े जो पलटे हैं इस सारे को मैं एक बार बजा करके आपको सुना दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसी प्रकार से सेम बजाएंगे, ठीक है। देखिए धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा तू, ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा तीन, समझ गए। अब आप पलटा नंबर 3 लिखेंगे, इनके बोल हैं धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा तू ना, फिर ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा धीना, ठीक है। देखिए कैसे बजाएंगे, धा धा सेम जैसे मैं आपको पहले बजाने के लिए बताया, सेम उसी प्रकार से बजाना है। स्याही और लौ के बीच में इस फिंगर को रखेंगे, ये वाला फिंगर उठा रहेगा फर्स्ट फिंगर से ना और डगे पर घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे धा, 2 बार बजाएंगे धा धा, 2 बार बजाएंगे तो इस दोनों को अदला बदली करते रहना, ठीक है। धा धा, ठीक है। धा धा तिरकिट, ती 3 फिंगर से स्याही के बीच बीच र की ट, ठीक है। तिरकिट, ठीक है। धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, फिर धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, उसके बाद धा धा तिरकिट, ठीक है। धा धा तू तू चाटी पना, ये जगह तू चाटी पना, तू ना जब जाएंगे तो खुला घात करेंगे तू चाटी पना, ठीक है। धा धा तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, धा धा उसके बाद ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट, ता ता जब जाना वो चाटी पर, ठीक है। ता ता, ठीक है। उसके बाद ती र की ट, फिर ती र की ट, फिर ती र की ट, ठीक है। ता ता तिरकिट, तिरकिट तिरकिट,
समझ गए? ता ता तीरथ 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 ता ता तीरथ 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 फिर धा धा चाटे बना डग के देखें इस दोनों के साथ खाद करेंगे धा दो बार बजाएंगे धा धा ठीक है धा धा तीरथ 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 फिर धा धा तीरथ दोस्तों इसी प्रकार से आपको बजाना ठीक है। अब मैं कायदा और पलटा दोनों को बजा करके सुनाता हूँ एक साथ। देखिए कायदा को जो है वो ठा की लय में पहले बजाया जाता है, फिर आप उसका दुगुना करेंगे, फिर आप उस लय में पलटा को बजाएंगे ठीक है। नहीं तो आप यदि चौगुन करना चाहते हैं तो चौगुन की लय में पलटा को बजाएंगे, लेकिन पलटा को दोस्तों दोगुन की लय में बजाया जाता है, पलटा को ठा की लय में नहीं बजाया जाता ठीक है। तो देखिए कैसे बजाना है कायदा के साथ ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको बजाना है ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आप हमसे ऑनलाइन तबला क्लास करना चाहते हैं, यदि आपको तबला सीखने का इच्छा है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ आपको ज़ीरो लेवल से तबला सिखाया जाएगा ठीक है। तो आप हमसे जुड़ करके और तबला सीख सकते हैं ठीक है। दोस्तों तबले से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न हो तो आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं ठीक है। और जैसा कि आप देखते होंगे कि मैं लाइव अब आने लगा हूँ, लाइव आना शुरू कर दिया हूँ ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है उनके प्यारा प्यारा कॉमेंट पढ़ करके ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से हमें कमेंट में बताएं ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जो भी परेशानी हो ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता चलूँगा ठीक है। दोस्तों और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सारे वीडियो को देखें, एक एक वीडियो को देखें और सीखें, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि जो भी हम मेहनत करते हैं वो आपके लिए करते हैं ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए ठीक है, और कॉमेंट भी कीजिए। जैसा कि देखिए बहुत सारे लोगों का बहुत प्यारा प्यारा कॉमेंट आता है ठीक है। तो आप इसी प्रकार से कॉमेंट करें और सीखें ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी से बजाना सीखे ठीक है। और ये इस तिरकिट का अभ्यास आप लोग पर डे कम से कम 2 घंटा रियाज इसका होना चाहिए ठीक है। जब आप देखेंगे कि 2 घंटा एक सप्ताह कम से कम आप रियाज कर लिए तो मेरा गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो सुधार आ ही जाएगा तिरकिट में ठीक है। तो मेहनत करें
आगे बढ़े, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।